मैं सिस्टर से बात कर रही थी तब तक मम्मी का कॉल आने लगा उसके मोबाइल पे, तो उसने कहा कि मम्मी से बात कर लूँ, उसके बाद दीदी तुमसे बात करती हूँ, पर वो अभी तक कॉल नहीं की है। तो मैं जा रही हूँ अपना फेवरेट कॉफ़ी बनाने के लिए। मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती क्योंकि मैं सुबह से एक ही बार पी हूँ, और जब मेरा सुबह का आधा काम हो जाता है तो फिर मैं दोबारा कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन उसके साथ पीती हूँ। लेकिन वो ऐसा अब आज नहीं होगा क्योंकि वो अभी तक कॉल नहीं किया है काफ़ी टाइम, 7-10 हो गए और बेटी का भी आने का टाइम हो गया है। तो जब वो आती है मुझे कॉफ़ी चाहिए कि मैं रिलैक्स कर रही हूँ, तो ही मैं आराम से कॉफ़ी का टेस्ट ले लेके पीऊँ, तो इसलिए मैं जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने। तब तक तो अगर लकली उसका कॉल आ जाता है तो दोनों बहन साथ में पियेंगे, अगर उसका कॉल नहीं आता है तो फिर मैं पी लूँगी। उसके बाद पता चलता है कि क्योंकि मम्मी से जब भी बातें होती है तो काफ़ी लंबा चौड़ा बातें होती है, चाहे फालतू बातें क्यों ना, लेकिन चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, तो इसीलिए लगता नहीं है कि उसका कॉल अभी आ सकता है। फिर भी वेट कर सकती हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, पर कॉफ़ी बनाने के बाद। मैं मूँगफली दी हूँ थोड़ा सा धूप में, क्योंकि बरसात के मौसम में इतना ज़्यादा मूँगफली उठा के ले आया है पंकज, बिलीव नहीं होता। मैंने कहा था थोड़ा सा मूँगफली लेके आइएगा, क्योंकि जब हम लोग पोहा बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मूँगफली दे देते हैं तो अच्छा लगता है हम लोगों का मूँगफली का टेस्ट, तो इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा मूँगफली लेके आइएगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मूँगफली उठा के लेके आए, और बरसात में कीड़ा लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन कीड़ा से पहले तो चींटी ही लग गई है, तो मैंने चींटी भगाने के लिए उसे धूप में दिया हुआ। धूप तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा गर्म धार लगेगा तो वो चींटी सब निकल जाएगी, उसके बाद उसे अच्छे से पैक करके रख दूंगी, क्योंकि अभी के टाइम में चींटी इतना परेशान कर देता है, इतना परेशान कर देता है, हर जगह जहाँ पर भी आप सामान रखिए हर जगह चींटी 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 रह जाता है। तो मैं तो लक्ष्मण रेखा लाती हूँ और घेरा लगा देती हूँ और उसके बीच में सामान को रखती हूँ, तो थोड़े से बच बचाव होते हैं। लेकिन अगर गलती से, क्योंकि रैक को पोंछते हैं उस समय वो निकल जाता है, उसके बाद उसमें चींटी लग जाता है। चलिए दिखाते हैं कितना चींटी लगा हुआ है। देखिए मूँगफली, कच्चा मूँगफली और कच्चा मूँगफली जो बरसात के समय में ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा था थोड़े से लाने के लिए, लेकिन इनको पता नहीं कौन सा ये हुआ था, जोश चढ़ा हुआ था। देखिए 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 चींटी सब भाग रहा है, धूप का जो धार लग रहा है तो सब चींटी निकल निकल के भाग रहा है। मैं तो ना इनसे परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, बोलो कुछ और करते, कुछ और है कर, लगता है ना कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, आप करेंगे तो हनुमान जी की तरह पूरा पहाड़ ही उठा के ले आएंगे, वही हाल है इनका। ये मेरे फेवरेट जगह पे, और ये मेरा फेवरेट जगह है, मैं कॉफ़ी पीऊँ, रिलैक्स करूँ या टीवी वॉच करूँ, कुछ भी करूँ, तो मैं यहाँ पे आके बैठती हूँ, और उसके बाद ही चींटी, उफ ये पता नहीं रेड चींटी को दुश्मनी क्या है, गर्मी के मौसम में चींटी भी काटता, उफ परेशान हो गई हूँ मैं तो, सॉरी। और हाँ, तो ये मेरा क्या बोली थी, ये मेरा फेवरेट जगह है, मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों से बात ही करती हूँ, DIY बनाती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ तो यहाँ पे बैठ के ही करती हूँ। और मेरी और मेरी बेटी के बीच में तो थोड़ी सी छोटी मोटी जो नोक झोंक भी हो जाती है, वो बोलती है मैं यहाँ पर बैठूँगी, मैं बोलती हूँ मैं यहाँ पर बैठूँगी, हम दोनों का फेवरेट जगह है ये, इसके लिए हम दोनों का नोक झोंक हो जाता है, तो लास्ट में वही जीतती है। बोलते ठीक है तुम्हें बैठ जाओ, जब वो सो जाती है सैड हो जाती है, अगर तब मुझे कुछ काम रहता है या किसी तरह का रिलैक्स करना रहता है तो मैं पे आकर बैठ जाती हूँ। और ये जगह जो है मतलब बहुत सारे वीडियो में आए होंगे, क्या हुआ, उफ 11 बज गया अभी तक वो नहीं आई, मतलब कभी बहुत जल्दी आ जाता जाती है, कभी इतना लेट हो जाता है कि सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ है। कल बहुत जल्दी आ गई थी, कल इतना जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था इतनी जल्दी आ जाएगी, तो कल बहुत जल्दी आ गई थी, आज वही टाइम पर वॉच कर रहे हैं तो 15 मिनट आगे निकल गया, अभी तक नहीं आई है। वेस्ट टाइम है, क्योंकि बेटी को तो रेडीमेड नाश्ता चाहिए, ये लंच बॉक्स चाहिए होता है, तो उसको मैंने रेडीमेड लंच बॉक्स दे दिया है, और हस्बैंड को ऑफिस में कुछ पार्टी था तो उन्होंने कहा कि मुझे लंच बॉक्स नहीं चाहिए था, तो मैं नाश्ता इसलिए नहीं बनाई, तो फिर मुझे भी तो कुछ खाना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर से कुछ ले लूँ आज नाश्ता, और आज घर में नहीं बनाऊँगी, तो आज मैं वही बाहर जा रही हूँ नाश्ता लेने के लिए, घर में मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, मतलब नाश्ता कुछ नहीं बनाऊँगी, उसके बाद आऊँगी तो फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि मैडम मतलब मेरी बेटी का आने से पहले खाना रेडी रहना पड़ता है, रखना पड़ता है, इसलिए कि अगर उसका थोड़ा सा भी लेट हो जाता है, होता है ना कि बच्चे को कुछ भी थोड़ा सा खिला दिए उसके बाद खाना आराम से खाते रहेगी, तो मेरी बेटी खाना नहीं खाती है, तो इसीलिए जब भी वो स्कूल से आती है मैं डायरेक्ट उसे खाना ही खिलाती हूँ, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ, पहले अपने लिए नाश्ता लेके आऊँगी, और कुछ कुछ और जब भी आप मार्केट निकलते हो तो सोच के एक सामान निकलते हो, लेकिन जब आप मार्केट निकलते हो तो बहुत सारे सामानों का लिस्ट बन जाता है, ये भी मिसिंग है, वो भी मिसिंग है, ये भी लेना है, वो
भी लेना है, तो वो भी मैं जाके लूँगी और फिर घर आऊँगी तो फिर खाना बनाऊँगी। मैंने सोचा कि दाल चढ़ा के मैं जाती हूँ मार्केट और तुरंत ही तो आ जाना है। फिर मैंने सोचा नहीं, कहीं किसी से बातें ही करने लगी, कोई मिल गई या किसी तरह का काम पड़ गया मार्केट में तो ज़्यादा टाइम हो लग जाएगा, फिर दाल जल जाएगी, तो इसलिए आके चढ़ाती हूँ। मैं निकल रही हूँ और यहाँ जो लोकल मार्केट है वहाँ के लिए मैंने ये पर्स रखा हुआ, क्योंकि एक दिन मुझे याद है मैं क्लच लेके बाहर गई थी और एक दुकान में कुछ सामान लिया, जब एक दुकान से मैं दूसरे दुकान गई मतलब थोड़ा सा 4-5 कदम का डिस्टेंस था, उतना ही में मेरा पर्स जो है गुम हो गया, मतलब उस दुकान में पहला वाला दुकान पर ही छूट गया। लेकिन जब मैं रिटर्न आई और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा नहीं, शायद कोई उठा लिया होगा, वो ध्यान नहीं दिया होंगे। उस दिन से मैं ये जो है लोकल मार्केट के लिए ये वाला पर्स यूज़ करती हूँ कि कहीं कुछ काम लगे तो एटलीस्ट इसे हम इस तरह से हाथ में टांग लेंगे, जिससे कि कहीं पर रखने की कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ मुझे इसको रख के काम करना है, क्योंकि इसे हाथ पर भी हम लटका सकते हैं और इसमें बहुत कुछ आ भी जाता है, बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन छोटा मोटा जो सामान होता है जैसे मोबाइल हुआ, क्लच हुआ और छोटे मोटे सामान जो आप मार्केट में लेते हो तो वो भी इसमें आ जाते हैं, तो इसीलिए मुझे ये लोकल मार्केट के लिए ले जाना पड़ता है। उसी दिन से मैं इसे ले जा रही हूँ और मैं बोलूँ तो इसे खरीदी भी नहीं थी, उसके बाद से मेरे दिमाग में रहने लगा कि मुझे कुछ ऐसा पर्स खरीदना है जो मैं यहाँ पर लोकल मार्केट में भी ले जाऊँ और वो मुझसे गुम भी ना हो, क्योंकि थैंक गॉड कि उस क्लच में कुछ भी नहीं, एटीएम टीएम नहीं, कुछ पैसे थे और की थी रूम की थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मुझे परेशानी होती। लेकिन हर समय तो एक जैसा नहीं होता ना, हर समय तो आपका लक इतना साथ नहीं देगा ना, तो इसीलिए मैंने ये पर्स ले लिया है। अगर आप लोग भी इस तरह का भुलक्कर है या कहीं छोड़ देते हैं या हाथ से कुछ गिर जाता है तो प्लीज़ मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि इस टाइप का कोई भी पर्स जो सोल्जर होल्डिंग हो या इस तरह का हो जो हाथ में भी टांग सकते हैं, तो मतलब इस तरह का कोई छोटा सा पर्स जरूर कैरी करें। जो है फ्राइडे है तो मैं थोड़ा सा अपने बाल में ना थोड़ा सा हेयर मास्क लगा दूँ, उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, थोड़ा सा दूध ले ली हूँ और दूध में जो है नहीं दिखा रही तो दिखा दे रही हूँ, ये रहा दूध, थोड़ा सा दूध ले रही हूँ और उसमें जो है मैं अंडा मिलाऊँगी। तो नहीं आज मुझे अच्छा रहा, ये तौलिया मैंने रखी है क्योंकि अंदर का कपड़ा में ना पड़ जाए, क्योंकि इसका स्मेल बहुत गंदा लगता है मुझे, तो इसीलिए सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। ये अंडा मैं मिला दी, बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड मैं और मेरी बेटी, क्योंकि आज मैं बेटी को ड्राइंग क्लास में एडमिशन कराने जा रही हूँ। बहुत दिन से सोच ही रही थी लेकिन एडमिशन करा नहीं पा रही थी, आजकल करके मतलब दिन निकल जा रहा था, लेकिन मैंने आज फाइनली अपने फ्रेंड से बात किया और उसने कहा कि सर जो है वो फ्राइडे को आते हैं, तो आज है फ्राइडे और मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को एडमिशन कराने के लिए, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि अब जो है मेरी बेटी ड्राइंग सीखेगी, मतलब कुछ अच्छा अच्छा चीज़ बनाएगी, इसे भी मन लगेगा और इसे भी अच्छा लगेगा। पर अभी थोड़ी सी गुस्से में है क्योंकि मैं इसे जो ड्रेस पहनाना चाह रही थी वो नहीं पहन रही थी, जिस पे मैंने इसे डांट दिया और थोड़ी सी बदमाशी कर दी, क्योंकि घर में जो है वो जो खा रही थी वो थोड़ा सा पूरा फैला दी गुस्सा से, तो मैंने उसे थोड़ा सा चपात भी लगा दिया, तो फिर मना भी ली हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ उसे रेडी करने के लिए और उसका ड्रेस मैं निकाल चुकी हूँ जो वो पहनना चाह रही थी, तो अभी मैं उसे मनाऊँगी और उसे फटाफट रेडी करूँगी, फिर हम लोग जाएंगे ड्राइंग सर के पास ड्राइंग क्लास। दादा तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं तो ये नोटबुक भी खरीद के ड्राइंग बुक भी खरीद के रखी हुई थी बहुत दिन पहले से और मैं ले जा रही हूँ। अगर सर बोलेंगे आज ही से क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आज ही उसको छोड़ के आऊँगी ड्राइंग करके कुछ देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसे एक दिन पेंटिंग बना दिया था और बोला था इसे ड्राइंग करो तो नहीं की थी, और उसके बाद से ये रहा इसका कलर, इसमें कलर है, इरेजर है, शॉर्पनर है और पेंसिल है, ये भी मैं खरीद के रखी थी। तो मैं इससे ज़्यादा तो लगता है मैं ही बहुत एक्साइटेड हूँ, लग रहा है ये नहीं जा रही मैं जा रही हूँ, अब मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम ये किसी अदर पर्सन के पास। हाँ एक मिनट,
अदर पर्सन के पास जाके मैं से एक घंटा या मतलब जितना टाइम मतलब सर पढ़ाते हैं उतना टाइम छोड़ के आऊँगी या वहीं पे रहूँगी, ये अलग थोड़ा सा रहेगी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि स्कूल टाइम में भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन स्कूल की अब हैबिट हो गई, लेकिन उसके बाद ट्यूशन व्यूशन ऐसा कुछ भी मैं इसे नहीं दी हूँ, तो थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, दिल की धड़कन धक धक कर रहा है, लेकिन अच्छा भी फील हो रहा है और बहुत एक्साइटमेंट भी फील हो रहा है मुझे। ड्राइंग क्लास जाती हो, कैसा लग रहा है बोलो, मुझसे बोलो। अच्छा। जाना चाह रही थी ना ड्राइंग क्लास बहुत दिन से? यस। हमेशा बोलती थी मम्मा ड्राइंग क्लास जाना है, ड्राइंग क्लास जाना है। आज मज़ा आएगा ना? यस। थोड़ा सा डांस दिखा दो, ड्राइंग क्लास डांस। बहुत मज़ा आया, इसको भी पूछे तो कैसा लगा। और जा रहे हैं क्योंकि आज जल्दी छुट्टी दे दी, आज सर को कहीं जाना था इसलिए जल्दी छुट्टी दे दी, इसलिए मैं वहीं पर बगल में बैठी हुई थी और इसको लेके ही जा रही हूँ। और आज के लिए इतना ही। आ गए हम लोग घर और वो गई है दादी के पास और मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। और आज का वीडियो जो यहीं पे स्टॉप करती हूँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।